आपका बेटा था ये? बाप रे, सरकार बेटा है, सरकार बेटा है, बड़का बेटा रहलै रे भैया, हम केना रहबै रे बेटा बिनु केना रह। बेटा बेटी है ई? बेटा है गे, उन्हीं का बेटा? हाँ गे मैया गे। ये इनके जो मरे है ना, ये रामकृष्ण नगर थाना के अंतर्गत शिवाजी चौक है, वहाँ पर एक स्कूल है, उसी स्कूल में ये गरीब काम कर रहे थे। काम करने के दौरान छत पर थे, ये छत से आखिरी छत नीचे उतार रहे थे, पता नहीं कैसे ये छत से नीचे गिर गए और इनकी मौत हो गई है। अरे वहाँ का ठेकेदार फेंका गया है इसको ऊपर, फेंका गया है, जानबूझकर सामने हत्या हुआ है, हत्या किया गया है इसका, हत्या हुआ, हत्या हुआ है। देखिए जलमल जी आपको लगातार दिखा रही है, ठीक है, इधर आइए। आप कौन हुए पड़े जल? हम यहाँ वर्तमान वार्ड सदस्य हुए। आप सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य है वहाँ के। कैसे क्या हुआ बताइए? हम लोगों का फोन गया है तो इनका हत्या कराया गया है। अच्छा, हत्या छत पर से फेंका गया है? छत से फेंका गया, छत से फेंका गया है। आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना महतो हुआ। ये जो ठेकेदार है वो कह रहे हैं कि छत से गिर के मारा है? ठेकेदार फेंकवाया है इसको जानबूझ के। फेंकवाया है? अब ठेकेदार ना जाने क्यों फेंकवाया है। सो नाम क्या ठेकेदार का? हमको ना मालूम है, हमको फोन गया तब हम लोग घर से आए हैं, अभी इसको हम पता करने के बाद आपको बताते हैं। क्या नाम है? शंकर। शंकर नाम है? हाँ, ठेकेदार का। इस मृतक जो भोला राम है उन्हीं के ये परिवार है जो मुजफ्फरपुर से भी आए हैं, देख सकते हैं स्थिति क्या है, बदहवास है। इनकी ये पत्नी है, देख सकते हैं आने वाले घर में ही मात्र एक थे जो गुजर गए, एक ही थे ना कमाने वाले। और इनके घर में मृतक भोला राम के 5 बच्चे हैं। आप सोचिए अगर इस गरीब को मुआवजा नहीं मिले तो क्या इनके साथ न्याय होगा? ये गरीब वही गरीब हैं जो हमारे जैसे लोगों के लिए कपड़े सीते हैं, जूते बनाते हैं, हर को काम करते हैं गरीब, लेकिन अमीर अमीर घर में घुसा हुआ है, नहीं तक आया, आया अभी तक नहीं आया। उसका अगल बगल का आदमी आता है, पता करके चल जाता है, पता नहीं चलता है कौन आदमी है उसका। आप जाके कुछ बोल रहा है? बोलो। कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है। आया ठेकेदार, कुछ देर रुका यहाँ पे और उसके बाद फिर चला गया। इस मृतक भोला राम को ठेकेदार के साथ साथ उस मालिक को भी मुआवजा देना चाहिए जिनके घर में ये काम कर रहे थे। देखिए इनका बच्चा है ये, देखिए ऊपर इनके ऊपर इनके सर से इनके पिता का सर, देखिए क्या हो रहा है गरीब के साथ। ये ना हमरा बेटा के मार देल गई रे बाप, हो हमर सर हमर बेटा हो, के ना भाग गेल हो, के ना एते दिन से रहला कुछ ना बेटा हो, बाबा सर हमर बेटा हो, रे बाप रे। देखिए ये गरीब है, ये बिहार के वो गरीब है जिसे सरकार हमेशा नजरअंदाज करती है। मृतक भोला राम 4:30 गुजरे हैं, रात के लगभग अभी 11 बजने वाला है, कोई शासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, स्थानीय विधायक नहीं है, छोड़ दिए लवारिस की तरह। अब क्या लग रहा है आपको, इनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। न्याय मिलेगा उम्मीद है? न्याय मिलेगा? अरे बाप रे, ना क्या सरकार गए हमारे, उम्मीद है न्याय का? जी मुआवजा लगता है मिलेगा? मुआवजा कहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा मुआवजा। यहाँ जो मजदूर खड़ा है, अगर ये अगर अगर इनका जीवन चलने के लिए नहीं मिला, अगर इनका जीवन चलने के लिए मुआवजा नहीं मिला तो ये मजदूर या तो सारा जेल में जाएगा या तो लड़ के मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। और सीधी बात है, इनके घर बनाने से, इन मजदूरों के घर बनाने से शहर बनता है और देश बनता है, इनका अधिकार है। अगर उस मालिक का बेटा मरा होता तो अभी तक हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसका इलाज हो जाता है, और आज यहाँ मरे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, सर मानी चाहिए ऐसे लोगों को। जो यहाँ होगा सारे मजदूरों के सामने होगा, कोई पीठ पीछे बात नहीं होगी। इनका परिवार, इनका इनका परिवार अकेले नहीं है, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कोई मजदूर मेरा दिल्ली का रहता है, कोई यहाँ का मजदूर मुजफ्फरपुर में रहता है, ये मजदूर उसका परिवार है, और यही मजदूर लड़ेगा, यही परिवार लड़ेगा, यही हम कहना चाहते हैं। सवाल यह है, इनके जो पति थे भोला राम, एकमात्र कमाने वाले थे,
इनके 5 पाल बच्चे हैं, मृतक भोला राम के ये माता जी हैं, इनके भी पति गुजर गए हैं। देख ली स्थिति क्या है, यहाँ पे सामने इनकी पत्नी। बाबू हो राजा, क्या देखते हो राजा, हो राजा, हो राजा, क्या ना भागो। मैं नहीं दिखा सकता अब, चूंकि इतनी दर्दनाक कहानी है। प्लीज जनता को दिखाइए, पूरे देश की जनता को दिखाइए कि बिहार के राजधानी पटना में रामकिशन नगर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर जो चौक है, यहाँ पर 4:30 बजे से डेड बॉडी पड़ी हुई है। ना शासन आई है, ना प्रशासन आई है कि इसको मुआवजा कैसे मिले, कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्लीज इस खबर को जनता के लिए बदल कीजिए, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।